प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपने तीसरे पाठ मेरी गाय की व्याकरण से संबंधित प्रश्न, जो कि भाषा से के अंतर्गत आता है, वो कर रहे थे। कल हमने आपको बताया था आधा त और पूरा स से बनने वाले शब्द, जैसे वत्स, उत्सुक, उत्साह, सत्संग, और आधा श और क जैसे शुष्क, मस्तिष्क, निष्काम, पुष्कर, और उसके बाद आधा स और पूरा य से स्याही, हास्य, रहस्य और तपस्या। इनको आपको बोलना, पढ़ना और इनका उच्चारण भी बताया गया था। आधा ल और पूरा य, ल्य, इसका शब्द बनने वाले मूल्य, तुल्य, बाल्यकाल, शल्य क्रिया, और आधा त और पूरा न से कौन कौन से शब्द बने हैं, जैसे रत्न, प्रयत्न, पत्नी, रत्नाकर। आज हमें मूल शब्द लिखने के लिए कहा गया। हमें पता है मूल शब्द क्या होते हैं। मूल शब्द से ही अन्य शब्द बनते हैं। जो मूल शब्द होता है उसी से अन्य शब्द बनते हैं। तो मूल शब्द ढूंढना है, हमें मूल शब्द से बनने वाले शब्दों की सूची दी हुई है, लेकिन हमें लिखना क्या है, मूल्य शब्द, मूल शब्द। तो एक बार प्रश्न लिख लेते हैं और फिर करेंगे। मूल शब्द लिखो, भाषा का है मूल शब्द लिखो। मूल शब्द लिखो तो क है, पहला है क, और एक स्थान में मूल शब्द लिखना है। मम्मी कौन कौन से शब्द दे रखे हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। अमूल्य, अमूल्य, इसका कोई मूल्य न लगा पाए, जैसे हीरा तो बहुमूल्य होता है, वो कीमती होता है, बहुत मूल्य वाला होता है। अमूल्य मतलब जिसकी कीमत ना लगाई जा सके, जैसे कि समय, समय अमूल्य होता है। बहुमूल्य और अमूल्य में आपको मतलब पता चल गया। ये बना है मूल्य शब्द से, इसका मूल शब्द, मूल क्या होता है, मूल, मूल का अर्थ होता है किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, मूल है, तो वो हमें ढूंढना है। मूल्य हो गया, फिर है मूल्यवान, मूल्यवान, और यह बहुमूल्य, बहुमूल्य, और जो है मूल्यहीन, मूल्यहीन, मूल्यहीन। तो शुरू करते हैं। अमूल्य, मूल्यवान, बहुमूल्य, मूल्यहीन, तो मूल शब्द है जो सब में आया हुआ है। आपने ध्यान दिया, इसमें मूल्य सब में आया हुआ है, चाहे वो मूल्यवान हो, अमूल्य हो, बहुमूल्य हो, मूल्यहीन हो, तो मूल शब्द है मूल्य। आधा ल पूरा य, म में बड़े उ की मात्रा, आधा ल और फिर पूरा य। ये था हमारा दूसरा प्रश्न का पहला भाग। तो हमें इसमें मूल शब्द लिखना है, किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, किस शब्द से यह बना हुआ है, तो उसे मूल शब्द कहा जाता है। तो मूल शब्द की परिभाषा आपको पता चल गई है। मूल शब्द की क्या परिभाषा है इसमें, कि जिससे हमारे अन्य शब्द परिवार के
सदस्य या शब्द बने हुए हैं, तो मूल शब्द से ही ये बने हुए, सब में ये मूल लिखा आया हुआ है, हम कहेंगे सब में आया हुआ है, चाहे अमूल्य हो, चाहे मूल्यवान हो, बहुमूल्य हो, मूल्य हो, तो हमें मूल्य मूल शब्द का पता चल गया। मूल शब्द इसमें मूल्य है, मिलते जुलते अर्थ वाले हैं, उच्चारण वाला, इसलिए भूल मत करना। मूल्य मूल शब्द है दिए गए शब्दों का। तो अब आ जाते हैं अगला है ख, तो हमने कर लिया ख पे आ गए। रिक्त स्थान के लिए छोड़ देता हूं मूल शब्द के लिए, और अगला है शिष्टता। शिष्टता अशिष्ट और श्रेष्ट फिर है विशिष्ट विशिष्ट फिर है शिष्टापूर्ण शिष्टता पूर्ण तो इसमें मूल शब्द हम सारे को पढ़ेंगे, हमें खुद पता चल जाएगा इसका मूल शब्द क्या है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें शब्द है शिष्टता अशिष्ट विशिष्ट शिष्टतापूर्ण, तो वो कौन सा शब्द है जो इन चारों में आया है। जब भी हमें मूल शब्द ढूंढने के लिए कहा जाता है तो हमारा सबसे पहला प्रयास क्या होता है, जल्दीबाजी न कर, चारों शब्दों को या जो शब्द समूह के जो शब्द दिए गए उनको हमें ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि इसमें कौन सा वो शब्द है जो बार बार चारों शब्द में आया हो, तब हम इसका मूल शब्द आसानी से पहचान सकते। तो ये तरीका मैंने आपको बताया, तो पढ़ रहे हैं शिष्टता अशिष्ट विशिष्ट शिष्टतापूर्ण शिष्टता अशिष्ट विशिष्ट शिष्टतापूर्ण, इसमें सब में आ रहा है शिष्ट, सब में आ रहा है शिष्ट का अर्थ होता है शिष्टाचार, शिष्ट का क्या अर्थ होता है शिष्ट है शिष्ट अच्छा व्यवहार, शिष्ट आचरण मतलब अच्छा व्यवहार, तो शिष्ट को अच्छा कहा जाता है। अब इसमें आ जाते हैं अगला है हमारा ग, जो है कृपया कृपालु कृपा पूर्वक कृपा निधान, इसमें मूल शब्द को हमने सूचना है, तो मैं मूल शब्द के लिए तो जगह छोड़ देता हूँ। पहला शब्द है हमारा कृपया, कृपया और है कृपालु, कृपालु उसके बाद है कृपा पूर्वक, कृपा पूर्वक, कृपा पूर्वक फिर है कृपा निधान, कृपा निधान कृपा निधान, तो ये चार शब्द हैं, चारों को पढ़ते हैं और मूल शब्द पहचान लें, कृपया कृपालु कृपा पूर्वक कृपा निधान। तो इसके अंदर हमने देखा क्या है, कृपा कृपा सब में ही आ, तो ये कृपा से ही बने हैं, चाहे वो कृपया हो, कृपालु हो, कृपा पूर्वक हो या फिर कृपा निधान, तो मूल शब्द इसमें क्या है, कृपा, तो मैं लिख रहा हूँ कृपा
मूल शब्द कृपा से ही ये चारों शब्द बने, कृपया, कृपालु, कृपा पूर्वक, कृपा निधान। चौथा घ है हमारा, आवश्यक, आवश्यक। फिर बारी है आवश्यकता, आवश्यकता। फिर है अनावश्यक, अनावश्यक। फिर बारी है अवश्यंभावी, अवश्यंभावी, अवश्यंभावी। तो इसमें आवश्यक, आवश्यकता, अनावश्यक, अवश्यंभावी, तो ये चारों शब्द को हमने देखा। चारों में कौन सा मूल शब्द हो सकता है? अवश्य से ही सारे बने सारे, चाहे अवश्यंभावी हो, अनावश्यक हो, आवश्यकता हो, आवश्यक हो, सब अवश्य शब्द से बने हैं। तो ये मूल शब्द हमारा है अवश्य। अवश्य एक अंतिम और बचा है च भाग, इसे भी कर लें। इसका भी मूल शब्द हमें पता ही लगाना है। पता लगाने से पहले उसके शब्द परिवार के कौन कौन से शब्द हैं, ये है सीमित, सीमित। फिर बारी आती है असीम, असीम। फिर बारी है असीमित, असीमित। और अंतिम है सीमांत, सीमांत। तो अर्थ भी हमें पता है, सीमित मतलब जो कोई सीमित मात्रा में, मतलब आवश्यकता से अधिक नहीं, सीमित। असीम का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना, जैसे हम कहते हैं आसमान असीम है, कहाँ ख़त्म होता है कहाँ पता नहीं चलता, या अंतरिक्ष असीम है, उसका अंत, उसका कहाँ तक शोर है हमें नहीं पता। असीमित जिसकी कोई चीज सीमा ना, तो असीमित, सीमांत जो सीमा पर हो, सीमांत जो सीमा पर हो। तो ये थे, इसमें सब में हमने देखा कि कौन सा शब्द है सीमा से बना है, सारे ये सारे चारों शब्द हैं किससे बने हैं, सीमा से बने हैं। हम लिखते हैं सीमा, हमारा मूल शब्द है सीमा, मूल शब्द हमारा है सीमा, और सीमा से ही ये बने हुए हैं। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, मूल्य का बना मूल्य, मूल शब्द है, इससे बनने वाले शब्द हैं अमूल्य, मूल्यवान, बहुमूल्य, मूल्यहीन। शिष्ट है मूल शब्द, और इससे बनने वाले शब्द हैं शिष्टता, अशिष्ट, विशिष्ट, शिष्टतापूर्ण। कृपा, कृपा से बनता है कृपया, कृपालु, कृपा पूर्वक, कृपा निधान।
आवश्यक, आवश्यक, अवश्य से बनने वाला मूल शब्द है अवश्य, और इससे बनने वाला शब्द है आवश्यक, आवश्यकता, अनावश्यक, अवश्यम भावी, अवश्य से बना है। तो मूल शब्द से ही शब्द बने हुए, और हम कहेंगे इस शब्द परिवार के सदस्य हैं। अगर कहा जाए शब्द परिवार के हैं, किस शब्द परिवार के हैं? अवश्य के हैं। जैसे सीमा, सीमा मूल शब्द है, और ये सारे शब्द क्या हैं? इसी शब्द परिवार के हैं, या इस शब्द परिवार के सदस्य हैं। तो सीमा से बना है सीमित, असीम, असीमित, सीमांत। तो ये आपको समझ आया? तो ये था हमारा मूल शब्दों से शब्दों की रचना, मूल शब्दों से शब्दों की रचना के बारे में हमने सीखा, इसे पढ़ा और मूल शब्दों को लिखा। तो अब आगे चलते हैं, पढ़ो समझो और लिखो। तो इसमें हमें पहले पढ़ना है, समझना है, फिर हम इसको लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है पढ़ो समझो और लिखो। तो ये योजक चिन्ह के बारे में बताएगा हमारा तीसरा प्रश्न। तो हमने मूल शब्दों के बारे में जाना कि मूल शब्द से ही शब्द परिवार के अन्य सदस्य शब्द बनते हैं, और मूल शब्द से बनने वाले शब्द चार उदाहरण दिया गया था, हमने मूल शब्द लिखे। अब योजक चिन्ह क्या होता है और उसका कहाँ कहाँ प्रयोग आता है, ये हमें पहले पढ़ना है, समझना है, फिर लिखना है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न होगा। तो शुरू करते हैं तीसरा प्रश्न, ये भी भाषा से के अंतर्गत आ रहा है। प्रश्न है तीसरा, पढ़ो समझो और लिखो, और लिखो। तो पहले शब्द को समझते हैं, दिन रात, इसका अर्थ होता है दिन और रात, दो तीन, दो या तीन, हरे भरे, बहुत हरे। तो अभी इसको पहले समझा जाए, पहला है दिन के बाद हमने एक निशान लगाया है, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। और रात, दिन और रात के बीच में जो निशान लगा है ये योजक चिन्ह है, इसके बारे में आगे बताएंगे। और उसके बाद है दो तीन, दो तीन, फिर ध्यान दिन को पहले समझ लेते हैं हम लोग, फिर है हरे हरे, हरे हरे हरे। तो इनका अर्थ पहले समझा है, जब वो कहते हैं दिन रात बारिश हो रही, इसका कि क्या अर्थ हुआ? दिन में और रात में दोनों, दिन और रात में, मैं कह रहा हूँ दिन रात बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ है बच्चे दिन में भी पढ़ रहे हैं और रात में भी पढ़ रहे हैं। दिन रात वर्षा हो रही है, तो वर्षा दिन में भी हो रही है, रात में भी हो रही है। राहुल दिन रात मेहनत करता है, दिन में भी और रात। तो और का हमने अनुभव किया, इसका अर्थ क्या था? दिन रात यहाँ पे क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ दिन और रात के, इसे ध्यान से समझिएगा। अगला है दो तीन,
दो तीन बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, कल मेरे घर में दो तीन मेहमान आएंगे। तो यहाँ दो तीन का है, दो या तीन हम नहीं जानते, ये दो भी हो सकता है या तीन भी। तो पार्क में दो तीन बच्चे खेल रहे हैं, दो भी हो सकता है या तीन भी हो सकता है। तो या के लिए हमने इसका प्रयोग किया, इस योजक चिन्ह का। कल मेरे घर दो तीन मेहमान आएंगे, तो ये नहीं कि दो और तीन मिला के पांच मेहमान आएंगे, ऐसा नहीं। इसका दो होंगे या तीन होंगे, तो दो या तीन इनमें से एक ही होगा, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। तो या के लिए इसका हमने प्रयोग किया, इसी योजक चिन्ह का। हरे हरे, दो बार हरे हरे, हरे इसका मतलब है कि बहुत हरे। पेड़ से पेड़ पे हरे हरे पत्ते लगे हैं, मतलब वो पत्तों का रंग बहुत हरा है, गहरे हरे रंग के। ठीक है, तो हरे हरे का यहाँ पे बहुत के लिए हमने प्रयोग किया है। हरे हरे मतलब बहुत हरे, तो इस तरह का। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, जो बीच में ये जो योजक चिन्ह है, इसकी परिभाषा भी तो होती है, तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ये तो हम समझ गए कि ये दो शब्दों को जोड़ते हैं। योजक का अर्थ होता है जोड़ना, जैसे पुल होता है, वो दो जगह को जोड़ता है। जैसे कि एक नदी पे पुल है, तो नदी के दोनों किनारों को जोड़ रहा होता है। पुल का काम होता है जोड़ना। तो इसमें भी जो योजक चिन्ह है वो भी जोड़ने का काम कर रहा है। किसको कर रहा है जोड़ने? दो शब्दों को जोड़ रहा है और उनका खास अर्थ दे रहा है। यहाँ दिन और रात की बात की गई है, तो यहाँ दिन और रात को जोड़ा है। दो और तीन में यहाँ पे दो या तीन को जोड़ा है, दो या तीन। और यहाँ पे हरे हरे का अर्थ है बहुत हरे, बहुत दिखाने के लिए ये हरे ज्यादा हैं, ज्यादा हरे के लिए या बहुत हरे के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो ये हमें समझना है। तो आ जाते हैं इसमें हम योजक चिन्ह की परिभाषा। जब हम योजक चिन्ह बता ही रहे हैं, आप माइनस का निशान मत समझिएगा, कुछ बच्चे इसको माइनस की तरह समझ रहे हैं, तो ये इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं और ये हिंदी में इसे योजक बोलते हैं। योजक का अर्थ होता है जोड़ना। तो यहाँ दो शब्दों की बात की है, उन्हें जोड़ा जा रहा है। तो अब मैं इसकी परिभाषा भी लिख देता हूँ। दो शब्द, दो शब्दों को जोड़ने को जोड़ने या शब्द युग्म, शब्द युग्म बनाने के लिए, या अथवा आदि योजक, आदि योजक शब्दों के स्थान पर, शब्दों के स्थान पर इस चिन्ह का, चिन्ह ऐसे ये डैश करके बनता है, चिन्ह का
प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, इस चिन्ह को, इस चिन्ह, इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं, इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं, कहते हैं। तो जो हमने समझाया ठीक उसी की तरह इसे हमने लिखा भी है कि योजक चिन्ह होते क्या हैं। ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, या दो शब्द युग्म बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये और के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, या के लिए, अथवा मैंने बताया था ये दिन और रात, तो और के लिए भी इसका प्रयोग किया गया, या दो या तीन मेहमान आने वाले हैं तो दो या तीन हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं तीन भी, तो अथवा या का हम लोगों को उपयोग करने के लिए और योजक शब्दों के स्थान पर इसी चिन्ह का निशान डैश करके लगाया जाता है और इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। तो वही बताया गया योजक चिन्ह के बारे में। अब है लिखने की बारी, ये तो हमने समझ लिया योजक चिन्ह कैसे था, इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है। पाठ में से ऐसे शब्द चुनकर लिखो जो योजक चिन्ह से जुड़े हों। तो अपने पाठ पे चलेंगे और हमें योजक चिन्हों को ढूंढना है और उन सबको लिखना है, क्योंकि इसमें तीन भाग हैं, पढ़ो लिखो, पढ़ो समझो और लिखो। तो हमने पढ़ा, इसे समझ भी लिया, अब लिखने की बारी है। तो पाठ पे चलते हैं, किस पाठ की, तीसरे पाठ की बात की गई। तीसरे पाठ पे हम लोग योजक चिन्ह को चलेंगे एक एक करके, तो मैं आपको बताते जाऊंगा। इसे आपको करना तो आपको ही है, लेकिन मैं ढूंढ के भी नहीं बताऊंगा, मैं पढ़ के बताऊंगा पाठ में कौन कौन से हैं योजक चिन्ह। सबसे पहला है, पहले पैराग्राफ में सुने सुनाए जाते हैं, सुने सुनाए, बीच में योजक चिन्ह लगा है, आपको दिख ही रहा है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो आगे हमने देखा पूजा पाठ, पूजा और पाठक के बीच, पूजा और पाठ के बीच में योजक चिन्ह लगा है। सुन सुनकर, सुन सुनकर दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा है। तो इस पाठ में बहुत से शब्द आए हैं योजक जो हैं। अच्छी सी गाय, अच्छी सी, अच्छी सी, और बताता हूँ आपको इस पाठ में। और बारी बारी अगला है, बारी बारी के बीच में भी योजक चिन्ह है। और चोर चोर, गोनू झा ने कहा था चोर चोर, तो उसके बीच में भी दोनों, चोर चोर के बीच में भी योजक चिन्ह लगा, तो आप इसे ढूंढ सकते हैं। उसके बाद अगला है युवक युवतियां, युवक युवतियां, इसके बीच में भी योजक चिन्ह लगा हुआ। तो आपको इसे ढूंढ करके लिखना है। इस पाठ में बड़े सारे योजक शब्द आए हैं, ठगे से, उसके बाद में एक एक, इस पाठ में कुछ नहीं तो 15 के करीब योजक चिन्ह आए हुए। तो आप, मैंने उनको पढ़ दिया, हष्ट पुष्ट, उसके बाद आया, हष्ट पुष्ट के बाद में है हमारा तो ये आपको ढूंढने करीब 15 के करीब योजक चिन्ह है। इन सबको आपका आज का गृह कार्य योजक चिन्ह पाठ में से, पाठ के अंदर से ही आपको ढूंढने हैं, पाठ में से ही आपको योजक चिन्ह ढूंढने हैं और उन्हें लिखना है। तो लिखने का काम नोटबुक में होगा क्योंकि इसमें जगह नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, शेष हम
कल करेंगे, इसके अभ्यास प्रश्न भी बचे हुए शेष हम कल करेंगे।